राधे राधे दोस्तों दोस्तों आपको और आपके परिवार को द अनंत गीता की ओर से नवरात्रि के पांचवें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पांचवें अवतार यानी कि माँ स्कंद माता के बारे में, और हम जानेंगे कि नवरात्रि के पांचवें दिन के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि के धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और उन्हें वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसीलिए उनकी माता होने के कारण भी इनका नाम स्कंद माता माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने के बाद अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है और सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और जीवन में शांति का अनुभव होता है। तो ये था नवरात्रि के पांचवें दिन का धार्मिक महत्व। अब बात करते हैं नवरात्रि के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। दोस्तों स्कंद माता हमारे शरीर के 7 चक्र में से पांचवें विशुद्ध चक्र का प्रतीक है। दोस्तों विशुद्ध चक्र आकाश को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों जैसे आकाश स्वयं ही अपने आप में अनंत है, उसी तरह विशुद्ध चक्र हमारी अनंत सोच का प्रतीक है जो हमें साहस सत्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है और हमें हमारी आत्मा से कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। ये चक्र हमारे जीवन के किसी भी परेशानी को आसानी से दूर करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि इस चक्र को कैसे एक्टिव किया जाता है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको 108 बार स्कंद माता के मंत्र का जाप करना होता है, जो मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से हम हमारे शरीर के विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों साइंस विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन का यूज करता है, जिसमें आप लंबे समय तक मेडिटेशन में इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये था नवरात्रि के पांचवें दिन का धार्मिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो से क्या पॉजिटिव चीज सीखने मिली है। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे सनातन धर्म का महत्व दुनिया तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। जय माँ दुर्गा।